पश्चिम वर्धमान ईस्ट बंगाल फैंस क्लब के सदस्यों ने अपनी पसंदीदा क्लब का जन्मदिन केक काटकर और आसनसोल पुण्यगम के वार्ड संख्या 65 में मुशिला के भूतल पर झंडा फहराकर मनाया। ईस्ट बंगाल क्लब की जर्सी के बाद प्रशंसकों ने खुशी मनाई और प्यारे क्लब की शताब्दी पर लाल पीले रंग के बैलम के साथ मुखौटा लगाया। एक स्थानीय निवासी गोपाल दास, जो प्रिय क्लब के समर्थक है, उन्होंने कहा कि मोशिला ईस्ट फैंस क्लब ने कोरोना में उपस्थित सदस्यों को क्लब के लोगों के साथ मास्क वितरण किया। आसनसोल गोपालपुर के 55 नंबर वार्ड में शंकर चक्रवर्ती के नेतृत्व में 500 मास्क वितरण किया गया। सभी बच्चे, वृद्धा और महिलाओं के हाथों में यह मास्क वितरण किया गया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी पूरे देश में फैल चुका है और आसनसोल के विभिन्न इलाकों में भी कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए शंकर चक्रवर्ती ने अपने इलाके में मास्क के साथ सैनिटाइजर और साबुन वितरण किया। उन्होंने बताया कि इससे आगे भी लॉकडाउन के दौरान मास्क वितरण किया गया है और आने वाले दिनों में भी किया जाएगा। वहीं शंकर चक्रवर्ती ने अपने वार्ड के छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भी मास्क वितरण किया ताकि बच्चे इस महामारी से बच सके। शनिवार के दिन आसनसोल सिटी बस स्टैंड में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पीएचपी विभाग के तहत स्वच्छ मिनरल पानी काउंटर का उद्घाटन किया गया। इस काउंटर का उद्घाटन राज्य के कानून मंत्री एवं आसनसोल नॉर्थ विधानसभा के विधायक मंत्री मलय घटक ने किया। मंत्री ने कहा, जहां पैसेंजर प्यास बुझाने के लिए दुकानों में 15 से 20 रुपए की बोतल खरीद के पानी पीना पड़ता है, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस उद्योग के तहत मात्र 2 रुपए में 1 लीटर पानी उपलब्ध होगा। क्योंकि आसनसोल बस स्टैंड में बहुत से राज्य एवं जिलों में लोग यातायात करते हैं, इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के पीएचपी विभाग द्वारा यह काउंटर का उद्घाटन किया गया है। श्री मलय घटक ने ईद उल अजहा मनाई है। आपको बता दें, शनिवार के दिन इस्लाम धर्म के त्योहार ईद उल अजहा समावेश में आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर राज्य के मंत्री मलय घटक ने जाकर इस त्योहार में शामिल हुए हैं। नॉर्थ विधानसभा के बाशिंदों ने मंत्री के साथ अपना त्योहार मनाया। मंत्री मलय घटक ने कहा, माँ माटी मानुष की सरकार हर समय राज्य की जनता के पास है। चाहे कोई भी पर्व होता है, सब मिल बांट के आपस में प्यार मोहब्बत रख कर ही हर पर्व को मनाना चाहिए। इसी भाईचारे के साथ आज हम यहाँ आए हैं, हर समय आते हैं, इसलिए आज भी आप लोगों के बीच आपके पर्व को मनाने के लिए यहाँ आया हूँ। नगर अध्यक्ष सहित 4000 भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक गेरुआ शिविर छोड़कर मुर्शिदाबाद के एक जमीनी नेता सौमिक हुसैन का हाथ पकड़कर जमीनी स्तर पर शामिल हुए हैं। वैसे संगठनात्मक निरस्तीकरण के प्रभाव के बाद 23 जुलाई को मुर्शिदाबाद जिला पर्यवेक्षण और मंत्री सुवेंदु अधिकारी को हटा दिया गया था। इस जिले की जिम्मेदारी राज्य के युवा सचिवों में से एक युवा जमीनी सचिव सौमिक हुसैन और 3 अन्य नेताओं को दी गई थी। इसके अलावा सौमिक हुसैन के करीबी एक युवा नेता इम्तियाज कबीर को भी जिले के युवा अध्यक्ष अमीरुल इस्लाम की जगह लाया गया था। सौमिक हुसैन ने कहा कि इस फेरबदल के एक हफ्ते के भीतर बरहामपुर के गेरुआ कैंप को जिले का दिल खाली कर दिया गया है। बरहामपुर टाउन बीजेपी अध्यक्ष सहित कुल 4000 भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक अपने घर पर पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
राज्यपाल ने अपने पहले YouTube वीडियो के माध्यम से कहा कि हिंसा और भ्रष्टाचार ममता सरकार का हिस्सा हो चुके हैं। बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपने एक साल पूरा करने पर उन्होंने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र मंत्रियों, लोकसभा स्पीकर तथा देश विदेश के मेहमानों के साथ अलग अलग स्थानों की उनके दौरे की तस्वीर दिखाई गई है। इस वीडियो का वॉइस ओवर खुद गवर्नर धनखड़ ने किया है। इस वीडियो में कई तस्वीरें राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, लेकिन इसमें वह ममता पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी का दौर जारी है। दिल्ली में सोने की कीमतें अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में 99.9% वाले 10 ग्राम सोने के दाम 55,000 रुपए के बेहद करीब पहुंच गए हैं। वहीं चांदी की कीमतों में एक दिन में ही 2,854 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ाई गई है। HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक घरेलू इक्विटी मार्केट में कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई तेजी की वजह से घरेलू बाजार में सोने ने अपने पिछले उच्च स्तर को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ब्रोकरेज फर्म जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के मामले बढ़ने और डॉलर में कमजोरी से सोने में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। केंद्रीय बैंकों की नरम नीतियों और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमतों में लगातार सपोर्ट मिल रहा है।